हाय दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट मोहम्मद सैफ और आज बात करेंगे हमदर्द साफ़ी सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूजेस के बारे में और जानेंगे इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जानेंगे इसको किस किस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। तो स्वागतम दोस्तों, चलो चलते हैं, बात करते हैं हमदर्द के साफ़ी सिरप के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साफ़ी हमदर्द सिरप के पैकिंग के बारे में। तो ये 200 ml पैकेजिंग के साथ और 100 ml पैकिंग के साथ और 500 ml पैकिंग के साथ साथ में किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें इसके मिनिमम प्राइस की, तो 100 के आसपास ये किसी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें इसके कंपनी की, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो इसको हमदर्द लेबोरेटरीज बनाती है, जो कि एक आयुर्वेदिक फार्मूलेशन होती है। दोस्तों, बात करें ये किस किस काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों ये एक नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर सिरप होता है, जो कि आपके खून के जितनी भी समस्याएं हैं उनको साफ़ करता है। और जैसे आपके फेस पर पिंपल हो रहे हो, जाइयां हो रही हो, झुर्रियां हो रही हो और आपका रंग सांवला पड़ता जा रहा हो और बारीक बारीक पिंपल निकल रही हो, या कहीं भी आपके कोई लंबे समय से ख़ारिश से परेशान हो वो ना जा रही हो, या कहीं भी आपके कभी कभी किसी भी स्थान पर कहीं भी पिंपल निकल आते हैं उससे आप परेशान हो, उसके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद सिरप है। तो दोस्तों, इसे सिरप को लेने के तरीके बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से इसे उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, हमदर्द साफ़ी सिरप को 10-10 ml की रेंज में ले सकते हैं सुबह शाम, और ताज़े पानी के साथ में इसको लें दोनों टाइम 10-10 ml। दोस्तों, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये एक आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक सिरप है, तो ये आपको कोई रिएक्शन तो नहीं दिखाएगा, जिसके वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं। दोस्तों, ऐसे बात करें इसको आपको गर्मियों में लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, सर्दियों में इसका सेवन थोड़ा कम करें, हाँ, क्योंकि ये ठंडा सिरप होता है साफ़ी सिरप, इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। तो ये है, ये थी हमदर्द सिरप साफ़ी के बारे में फुल जानकारी। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम बनाते हैं दवाई से जुड़ी सभी समस्याओं के बारे में वीडियो, और उसमें बताते हैं आपको रोग से, किस दवाई को लेने से आपका रोग जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।